यस सो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास होगा क्या, मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवाइज भी करवा देता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट आपको जिससे हेल्प होगी। सो फर्स्ट है हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस होगा, हियर वी हैव लॉजिकल एड्रेस। अब ये लॉजिकल एड्रेस कहां पर होगा आपका, सेकेंडरी मेमोरी पर। ये कहां पर होगा आपका, सेकेंडरी मेमोरी पर। और इसको आप अब यूजिंग पेजिंग करने वाले हो, तो जो भी पेज थे आपके, तो आप पेज टेबल में आपका क्या होगा, वहां पर फ्रेम्स होंगे। ठीक है, अब पेज टेबल में क्या होगा, फ्रेम्स होंगे। लेट अस सपोज जो लॉजिकल एड्रेस था वो 4 पेजेस का था, 4 पेजेस में डिवाइडेड है। पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिजिकल मेमोरी में आपका एक्चुअल एड्रेस है, तो लेट अस सपोज पेज 0 है फ्रेम 7 पे, ये आगे है फ्रेम 2 पे, फिर ये आगे है फ्रेम 4 पे, एंड देन ये आगे है फ्रेम 6 पे। तो अब आपका कैसे, यहां पर ये है आपका फिजिकली जो भी होगा आपका, इसको हम बोलेंगे फ्रेम्स, एक्चुअल मेमोरी है ये, फिजिकल मेमोरी, ये फ्रेम्स में डिवाइडेड होगी। क्लियर। अब पेज 0 कौन से फ्रेम में है, 7th फ्रेम में। तो यहां पर आपका पेज 0, देन फ्रेम 2 पे पेज 1, फ्रेम 4 पे सॉरी पेज 3, एंड फ्रेम 6 पे यहां पे पेज 2 आएगा, ये पेज 3। क्लियर। अब यहां तक आपको, ये तो हमने बिल्कुल इजी तरीके से लास्ट में किया था। अब इस क्वेश्चन में जो मेन बात है कि पेज टेबल में स्टोर क्या होगा। यहां हमने ये तो बता दिया कि फ्रेम का ये है। अब लेट अस सपोज जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस था यहां पर, दैट इज ऑफ 4 बिट्स, और जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है डेट इज ऑफ 5 बिट्स। ठीक है, तो अब यहां पर पी की वैल्यू कितनी है, 2, डी की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो अब यहां पे जो फ्रेम 7 है उसका एड्रेस क्या होगा, फ्रेम 7 यहां पर वो स्टोर क्या करेगा। देखो पी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2, एफ इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 2। उस केस में लेट अस सपोज कोई इमेजिनरी केस हमने ये ले लिया। अब इसको अगर आप बाइनरी में स्टोर करोगे तो 0 को कैसे लिखोगे, 0 0 0। अब जो 0th फ्रेम है जिसका एक एड्रेस होगा 0 0 0 और एक एड्रेस होगा 0 0 1, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है, 2, तो एक फ्रेम के पे आपके
सॉरी फोर, डी की वैल्यू टू है तो फोर एड्रेसेस इसमें पॉसिबल हो सकते हैं. तो यहाँ पे 0000 and 01, 000010 and 00011. तो ये आपके फोर एड्रेसेस होंगे. तो लेकिन हमने कहीं पे अगर फ्रेम जीरो को यहाँ पे कहीं स्टोर करना होता तो क्या करते, उसका सिर्फ बेस एड्रेस लेते. तो मतलब सिर्फ 3 bits यहाँ पे स्टोर होती पेज टेबल में, जो कि उसका बेस था. अभी मैं दोबारा आता हूं, लेट अस सपोज यहाँ पे पेज टू है, 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 001 से, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 से. अब फ्रेम 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके अकेले अकेले एड्रेस को. वन एड्रेस विल बी 01000, अदर एड्रेस 01001, अदर एड्रेस 01010, अदर एड्रेस 01111. तो ये क्या हुआ, ये तो हो गए आपके फ्रेम्स. ये किस, ये लास्ट वाले 2 bits किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफसेट को. क्लियर? तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. हाँ जी, अगर इसमें डाउट है तो क्वेश्चन पूछो. नहीं, हो सकता है जशन लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो फिर आगे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. एनी डाउट? अब यहां पर देखो, इसकी लैंग्वेज क्या दी है कि 15 बिट लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमें दिया है और पेज साइज कितने का दिया है, 1 KB का. पेज साइज इज ऑफ 1 KB. तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो यहां पर लिख सकता हूं कि पेज साइज अगर 1 KB है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम 1 byte एड्रेसेबल मेमोरी लिखेंगे. तो अगर 1 byte एड्रेसेबल है तो मैं अब इतनी प्रैक्टिस हमें है कि डी की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 10, क्योंकि 2 raised to power 10 1 उसको आप स्प्लिट करोगे ऐसे, तो डी की वैल्यू विल बी 10. अगर डी की वैल्यू 10 है तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, 5. ठीक है, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है, 15 bit. अब फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना क्या है, 14 बिट का, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 4. अब हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन से पेज में 1025 है और इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे आगे. अब देखो, फर्स्ट है आपका जो यस, पेज साइज कितने का है, 1 KB, मतलब 1024. तो 0 से लेके 1023 तक, फ्रॉम 0 to 1023 किसका एड्रेस होगा, पेज 0. हाँ जी, ये समझ में आया या नहीं? अगर किसी को डाउट है कि 0 to 1023 तक पेज 0 क्यों स्टोर होगा तो मेरे से को चैट में पूछे. यस, एनी डाउट कि 0 to 1023 तक वो पेज 0 में क्यों था, ये समझ में आया क्या नहीं आया? तो ओके, ठीक है, गुड. अगर समझ में आ गया, देखो अगर डाउट है तो यहां मैंने तभी चैट बॉक्स एनेबल किया है कि आप, आपकी आवाज शर्माना नहीं है डाउट पूछने इसमें, ठीक है, क्योंकि वरना फिर आप बाद में आपको खुद से उस डाउट को क्लियर करोगे. क्लियर तो देखो हो जाएगा, लेकिन
अराउंड आप 20-25 मिनट्स आप अपने लगाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यहीं पूछ लो अगर किसी को डाउट हो। तो अब 0 से 1023 तक आपके पास पेज 0, 1024 से लेकर 2047 तक क्या चलेगा, पेज 1। और आपने किसको मैप करवाना है, यस आपने किसको मैप करवाना है, आपने अभी मैप करवाना है 1025 को, क्लियर। अभी आपने किसको मैप करवाना है, 1025 को। सो उस कॉन्सेप्ट में अभी आपने सिंपली जस्ट क्या करना है कि पेज 1 को आपने देखना है कि कौन से फ्रेम नंबर पे स्टोर है। तो ये पेज 1 कौन से फ्रेम नंबर पे स्टोर है, 0th। तो ये पेज 1 का कौन सा ऑफसेट है, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट ऑफसेट पेज 1 का क्या है, 1024 पे होगा, सेकंड कहां पे होगा, 1025 पे। तो अगर हमने यहां पर लिखा हुआ है कि कंसीडरिंग बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो यहां पे जो भी उसका उधर फिजिकल मेमोरी में बनेगा, तो फ्रेम 0, अब f की वैल्यू क्या थी, f इज इक्वल टू 4, तो फर्स्ट एड्रेस विल बी 0000 एंड 00, सेकंड एड्रेस क्या होगा, 0000001। सो दिस विल बी द आंसर। एनी डाउट देखो यहां पर कितने बिट्स स्टोर होंगे पेज टेबल में बताओ भी कितने बिट्स स्टोर होंगे अभी तक के हिसाब से, बाद में हम इसको और भी देखेंगे, जो बेस एड्रेस होगा इसका, किसका, फ्रेम्स का बेस एड्रेस इसका, जैसे 0th फ्रेम का क्या है, 0000, मतलब 4 बिट्स स्टोर होंगे, जो f की वैल्यू है उतने बिट्स स्टोर होंगे। तो बेसिकली यहां पर स्टोर क्या होगा, 0000। अब यहां पर 8 है तो कैसे स्टोर होगा, जो भी 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, ये क्लियर। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 0010, क्लियर। यस ऑफसेट 10 है, ऑफसेट तो 10 है, लेकिन मैं उसके ऑफसेट का आपका फर्स्ट एड्रेस क्या है, सेकंड एड्रेस क्या है, उसकी बात कर रहा हूं। यस इसका आंसर ये होगा, हाँ सॉरी मैंने गलत दे दिया था आंसर, ऑफसेट 10 है, ठीक है इसका ऑफसेट 10 है, तो मैंने वहां पर उसको 4 के साथ ही कर दिया शायद, तो इसका आंसर ये होगा, क्लियर। थैंक यू जिसने ये बताया, क्लियर। डी इक्वल्स टू 10 था तो ये होगा। यस किसी को डाउट हो भी, किसी को डाउट हो, क्लियर। देखो जी ये जो मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं इसके साथ आपको मतलब थ्योरेटिकली भी क्लियर होनी चाहिए पेजिंग। अब इससे आपको क्या पता चला, इस न्यूमेरिकल का पर्पस क्या था कि जो पेज टेबल में स्टोर क्या होगा, बेस एड्रेस ऑफ फ्रेम, क्लियर। सो
हेयर पी इक्वल्स टू 5, यस। ये इसके ऊपर भी गौरव गुड क्वेश्चन है, ये आपका इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि पी की वैल्यू तो 5 है, तो यहां पर इन्होंने देखो एक सिनेरियो में दे दिया। ये देखो ये तो पॉसिबल है कि पेज टेबल की कुछ एंट्रीज एम्प्टी रह जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि यहां पर 0 से 7 ही रहे। यहां पर अगर पी की वैल्यू 5 है तो एक्चुअल में तो क्या होगा, 0 से लेकर 31 तक होंगे, क्लियर। लेकिन हमें हमारा काम इतने में ही चल रहा था, उन्होंने एक ये तो जस्ट एक दी हुई थी वहां पे पिक्चर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, 0 से 31 ही होंगे। ये क्लियर है, गुड क्वेश्चन, 0 से 31 ही होंगे। यस, किसी और को कोई डाउट हो? ठीक है, चलो अब एक और कॉन्सेप्ट हम करेंगे, वो थोड़ा इससे ही मिलता जुलता है, एक उसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। नहीं अर्पित, ये जरूरी नहीं है, इसका उल्टा ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रू होगा कि नंबर ऑफ पेजेस विल बी मोर देन नंबर ऑफ फ्रेम्स, अगर अक्रॉस ऑल प्रोसेसेस देखोगे। ये जो हम कर रहे हैं अभी तो न्यूमेरिकल पर्पस से कर रहे हैं, क्लियर, क्योंकि ये जो हम बात करते हैं पेजेस की, ये वर्चुअल मेमोरी की बात होती है, जनरली वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी से ज्यादा बड़ी होगी, क्लियर, वो बाद में आएगा कॉन्सेप्ट, इसीलिए अभी उसको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलो उतनी देर में आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो, इससे एक और कॉन्सेप्ट आएगा। आपको दिया हुआ है कि मेन मेमोरी इक्वल्स टू 64 मेगाबाइट, लॉजिकल एड्रेस स्पेस is equal to 32 bits, अब यहां पे उन्होंने क्या दे दिया, पेज साइज 4 kilobytes, ठीक है, कैलकुलेट, आपने अब कैलकुलेट क्या करना है, टोटल स्पेस वेस्टेड इन मेंटेनिंग, ये साथ साथ लिख लेना, ये कैलकुलेट है, इन मेंटेनिंग पेज टेबल ठीक है, considering all the entries in page table are occupied, ठीक है। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि मेन मेमोरी का आपका 64 MB है, लॉजिकल एड्रेस 32, लॉजिकल एड्रेस स्पेस 32 बिट्स की है, पेज साइज इज इक्वल टू 4 किलोबाइट्स, आपने कैलकुलेट टोटल स्पेस वेस्टेड
या कैलकुलेट टोटल मेमोरी वेस्टेड इन मेंटेनिंग पेज टेबल कंसीडरिंग ऑल द एंट्रीज इन पेज टेबल आर ऑक्यूपाइड। इस लाइन का मतलब क्या है कि रैम में पेज टेबल को कितनी स्पेस लेगा, रैम में पेज टेबल कितनी स्पेस लेगा। तो बेसिकली जो भी पेज टेबल स्पेस लेगा वो आपकी मेमोरी की वेस्टेज ही होगी, क्योंकि अगर पेजिंग ना होती तो आपको उस पेज टेबल की कोई रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो जो भी ये पेज टेबल का साइज होगा वो मेमोरी की हमेशा वेस्टेज ही होगी। तो इसको कैलकुलेट करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैंने क्योंकि अभी डाउट्स लेने होंगे तो इसमें वो पॉसिबल नहीं होता कि इस मोड में कि मेरे को आपकी वो चैट वाली स्क्रीन दिखे, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। यस, एनी डाउट? लॉजिकल एड्रेस स्पेस तो 32 बिट का ही होगा ना, स्पेस की बात करते हैं हम भी, कितने एड्रेसेस पॉसिबल हैं, दैट मींस 2 raised to power 32। अगर मैंने LAS लिखा हुआ है तो मतलब ये कि लॉजिकल एड्रेस बेसिकली क्या है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस को कितने बिट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहां पे एड्रेसेस की बात हो रही है ना कि स्पेस की, वहां पे एड्रेस स्पेस लिखा हुआ है इसीलिए। और जहां पे कुछ मेंशन ना हो तो आपने क्या करना है, कंसिडर 1 byte एड्रेसेबल मेमोरी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास पेज साइज गिवन है, अगर मेरे पास पेज साइज गिवन है तो इससे मैं क्या इंप्लॉय कर सकता हूं, डी की वैल्यू। डेट इंप्लॉयज डी की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, 4 kilobyte अगर 1 byte एड्रेसेबल है डिवाइड बाय 1 byte। 4k एड्रेसेस, 4k मीन्स 2 raised to power 2 into 2 raised to power 10k addresses. So that employs 2 raised to power 12. That employs d equals to 12. Clear? अगर d की value 12 है तो p की value कितनी होगी, 20, क्योंकि logical address space कितने का है, 32 bit का। अब किसकी वैल्यू में रहेगी, एफ की वैल्यू। मेन मेमोरी कितने की है, 64 MB। 64 MB को आप कैसे लिख सकते हो, 2 raised to power 6 into 2 raised to power 20, ठीक है। अगर 1 byte एड्रेसेबल है तो into byte divide by 1 byte हो जाएगा, वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। दैट इंप्लॉयज F plus D equals to 26। या आप कह सकते हो कि फिजिकल एड्रेस स्पेस विल बी ऑफ 26 bits। तो D की वैल्यू कितनी है, 12। तो F की वैल्यू कितनी आएगी, 14। P की वैल्यू 20, F की वैल्यू 14, D की वैल्यू 12। तो यहां पर अब क्या हुआ आपके पास, ये हो गया। अब मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया है कि पेज टेबल में कितनी एंट्रीज हैं, ये कैसे पता लगती हैं, पी से। अगर पी की वैल्यू 20 है तो टोटल एंट्रीज इन पेज टेबल विल बी 2 raised to power 20, और हर एंट्री पे कितने बिट स्टोर होंगे, जितना एफ की वैल्यू होगी, एफ का होगा मतलब 14 bit। तो टोटल स्पेस कितनी होगी, 14 bit into 2 raised to power 20,
तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 14 इंटू 2^20 को क्या लिख सकता हूं, 2 मेगा। ठीक है, तो सॉरी 2 मेगा नहीं, 1 मेगा, 2^20 इज इक्वल टू 1 मेगा। तो डेट इंप्लॉयज के ये कितना होगा, 14 मेगाबिट। ठीक है, क्योंकि ये गेट के क्वेश्चन में आया था, तो गेट के क्वेश्चन में आपको 14 मेगाबिट नाम की कोई भी चीज नहीं थी वहां पर, जो उन्होंने एक ऑप्शन में 2 MB दिया हुआ था, तो 14 मेगाबिट है। तो अगर जनरली हम इसको बाइट में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सबसे क्लोजली किसके होगा, 2 मेगाबाइट। पर एग्जैक्ट आंसर अगर थ्योरी में पूछा जाए, अगर इतनी इंफॉर्मेशन के साथ, तो 14 मेगाबिट ही बोलोगे आप। क्लियर? एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है अभी? ओके, एक और बार मैं इसको बता देता हूं। देखो, पेजिंग के ज्यादातर क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसमें आपको सबसे पहले पी डी एंड एफ की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर पेज साइज गिवन है तो वहां से आप क्या किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डी की वैल्यू। तो पेज साइज यहाँ कितना गिवन था, 4 किलो बाइट्स। दैट इंप्लाइज 4 किलो बाइट्स क्या होगा, 4 किलो बाइट अगर 1 बाइट एड्रेसेबल है तो कितनी एंट्रीज होंगी टोटल एक पेज में, 4 किलोबाइट डिवाइड बाय 1 बाइट। डेट इंप्लाइज उसको हमने कैसे ब्रेक कर लिया, 2^2 और किलो को 2^10। ठीक है, तो जो के क्या बनेगा, 2^12। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 12। ठीक है, अब डी की वैल्यू 12 है और लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितने का है, 32 बिट का। लॉजिकल एड्रेस स्पेस मतलब पी प्लस डी इक्वल्स टू 32। डेट इंप्लॉयज पी इक्वल्स टू 20। अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट हमने कर ली, पी और डी की, किसकी रहेगी, एफ की। एफ की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें मेन मेमोरी का साइज बताया गया है 64 MB। हमने उसको ब्रेक किया ऐसे, 2^6 इंटू 2^20। अब इसको अगर 1 बाइट एड्रेसेबल है तो कितने नंबर ऑफ लोकेशंस पॉसिबल हैं या एड्रेसेस पॉसिबल हैं, 2^26। तो अगर इसका लॉग बेस 2 26, 2^26 लोगे तो आपको फिजिकल एड्रेस स्पेस कितने का मिलेगा, 26 का। लेकिन डी की वैल्यू 12 थी तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब पिछले न्यूमेरिकल को देखो और उसमें हमने क्या बताया था कि एक लोके पेज के एक एंट्री में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, जो एफ की वैल्यू होगी अभी तक जो बताया है। तो एफ की वैल्यू क्या थी यहाँ, 14। तो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर कितने स्टोर होंगे, 14 बिट्स। और ऐसी कितनी एंट्रीज हैं, 2^20। तो वो हो गया यहाँ पे, क्लियर। तो साइज क्या बनाएगा, 14 इंटू 2^20। ठीक है, 14 इंटू 2^20 बिट्स, क्योंकि ये बिट्स में है। तो 2^20 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 मेगा। तो क्या बनेगा, 14 मेगा बिट। ठीक है, लेकिन ये गेट के न्यूमेरिकल में आया था तो 14 मेगा बिट वहां कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मैं स्पेस को जनरली मेगा बाइट्स में किया जाता है। तो 14 मेगा बिट किसके ज्यादा क्लोजली होगा, अगर ये 16 मेगा बिट होता तो मैं इसको डिवाइड बाय 8 करता तो ये क्या होता, 2 मेगाबाइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 मेगाबाइट के इक्वल है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता तो ये आपका यही राइट आंसर बनना था। क्लियर? यस, वेस्टेड मेमोरी है ये।
20 पेजेस कैसे? वो तो यार पी क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पेजेस इन पेज टेबल. पी क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पेजेस इन अ पेज टेबल. वो तो बड़ी बेसिक बात है ना, पहले से करते आए हैं. यस, एनी अदर डाउट? देखो पेज टेबल में जो भी स्पेस लगेगी वो वेस्टेज स्पेस ही है. पेज टेबल तो एक हमने एक्स्ट्रा बर्डन है ना पेजिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो एक एक्स्ट्रा स्पेस ही है. यस, पेज टेबल में तो यहां पर भी मैंने इस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जैसे किसी ने डाउट पूछा था कि यहां पर पी की वैल्यू कितनी थी, शायद 5 थी. तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी बनती हैं? 32. क्लियर? लेकिन यहां पर शो कितनी की हैं? 7. जबकि आप 32 भी एक्चुअल एंट्रीज कितनी होंगी? 0 से लेके 31 तक, मतलब 32 एंट्रीज. एनी अदर डाउट? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि 2^20 पेजेस होंगे. नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल विल बी 2^20. लेकिन इस क्वेश्चन में हमने पहले से ही लिखा था, यहां पर एक मिनट में क्लियर कर दूं इसको. इस क्वेश्चन में हमने पहले से लिखा था, कंसीडरिंग ऑल द एंट्रीज इन पेज टेबल आर ऑक्यूपाइड. अगर ये सारी ऑक्यूपाइड हैं तो नंबर ऑफ पेजेस विल बी 2^20. क्लियर? अब इसका केस जो आपने अभी डाउट पूछा है, इसका भी एक केस मैं बताने वाला हूं. जिसने अभी ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या बता रहा हूं, जितनी यूज हुई है मेंटेनिंग पेज टेबल में वो वेस्टेड है. बिल्कुल सही है. क्लियर? चलो अभी एक और न्यूमेरिकल करो. इसमें अभी आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, कंप्यूट दी साइज ऑफ अ प्रोसेस. आपको क्या दिया हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी है 256 GB की. ठीक है, पेज साइज आपको गिवन है 2 KB का. मेन मेमोरी गिवन है आपको 512 KB और साइज ऑफ पेज टेबल इक्वल्स टू 8 KB. ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से आपने ये कैलकुलेट करना है. देखो नेक्स्ट 10 मिनट्स ले लो, मैं आपको ये टाइम दे रहा हूं, उसमें आपने इसको सॉल्व करो. देखो अगर तुम मेरे पास ये, इन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें अलग हुई है कि साइज ऑफ पेज टेबल दिया हुआ है, वरना अगर ये साइज ऑफ, अगर ये पूछ मेरे से पूछा जाता कि मैक्सिमम साइज ऑफ पेज टेबल पॉसिबल, तो वो कितना था, डी की वैल्यू कितनी आएगी अगर 1 byte एड्रेसेबल ही होगी मेमोरी, क्योंकि कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, तो डी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी,
11, सेकेंडरी मेमोरी इक्वल्स टू 256 GB, दैट मींस 38-bit एड्रेसेबल। इसको अगर आप करोगे तो ये 38-bit एड्रेसेबल आएगी। तो D की वैल्यू 11 है तो P की वैल्यू कितनी रहेगी? 27। मैक्सिमम साइज ऑफ पेज टेबल कितना पॉसिबल था? ये 2^27 एंट्रीज थी और F जितनी भी इसकी साइज होता। तो मेन मेमोरी कितने की है? 512 KB। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे बिट्स में तो कितनी आएगी? 19-bit एड्रेसेबल। D की वैल्यू कितनी है? 11, तो F की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो यहां पर कितने बिट स्टोर होंगे? 8, मींस 8 बिट स्टोर होंगे, मतलब 1 byte। 2^27 इंटू 1 byte तो क्या होती थी? मैक्सिमम साइज ऑफ पेज टेबल पॉसिबल। तो मैक्सिमम साइज ऑफ पेज टेबल तो 2^27 मींस 2^20 क्या आएगा? 1 mega। एंड 2^7 128 MB पॉसिबल थी, लेकिन हमारे पास साइज ऑफ पेज टेबल क्या दिया गया है? 8 KB। तो बाकी एंट्रीज क्या है? एम्प्टी। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी मैंने काफी बड़ा हिंट दे भी दिया है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। नहीं गौरव, देखो गौरव, जो आप बोल रहे हो ना कि जो, देखो वेस्टेज क्या है, लेट अस सपोज आपने 2 MB के प्रोसेस को स्टोर करवाना था। अब 2 MB के प्रोसेस को आप अलग अलग पेजेस में स्टोर तो करवा रहे हो, लेकिन साथ ही उसमें क्या किया, एक पेज टेबल को भी इन्वॉल्व कर लिया। वो पेज टेबल क्या करेगा? इंडेक्स करेगा, लेकिन वो पेज टेबल स्टोर कहां पर होगा? रैम में। तो वो पेज टेबल बेसिकली स्पेस को वेस्ट ही कर रहा है। ठीक है, देखो इनका डाउट क्या था, ये इनका डाउट था, ठीक है। लेकिन चाहे 1 MB साइज हो पेज टेबल का, तो वो भी 1 MB विल बी, हम ये कहेंगे कि वो वेस्ट है। क्यों? क्योंकि 1 MB किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट तो हुई नहीं, वो तो पेज टेबल को मेंटेन करने में एलोकेट होगी, जो कि वेस्टेज है। क्लियर? यस जशन, आप बोल रहे हो साइज ऑफ प्रोसेस 8 KB, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सभी सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूं। सॉरी, अब यहां पे हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी एंट्रीज इस प्रोसेस ने पेज टेबल की ऑक्यूपाई की। अब टोटल एंट्रीज कितनी थी इस, यहां 2^27। अब प्रोसेस ने कितनी एंट्रीज ऑक्यूपाई की, ठीक है। अब उस प्रोसेस ने कितनी एंट्रीज ऑक्यूपाई की उसको हम देखेंगे। अब कैसे देख सकते हैं कि पेज साइज कितना है? अगेन 2 किलो
बाइट्स का, ठीक है। तो साइज ऑफ पेज इज इक्वल टू 2 किलो। अब नंबर ऑफ पेजेस अगर आपने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पेजेस के लिए पेज साइज तो मैटर नहीं करेगा, साइज ऑफ पेज टेबल मैटर कर जाएगा। लेट अस सपोज इसको मैंने ई से डिनोट कर लिया कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, ठीक है। तो हर एंट्री पे कितनी 1 byte, यहां पर 8 है तो हर एंट्री पे 1 byte आप स्टोर कर सकते हो। ये किसके बराबर है? 8 kilobytes के। तो नंबर ऑफ एंट्रीज विल बी 8k, नंबर ऑफ एंट्रीज विल बी 8k। मतलब क्या है? ए प्रोसेस हैज 8k पेजेस। अगर इसमें से 2^27 में से 8k पेजेस हैं जो प्रोसेस के पास है, ठीक है, तो 8k पेजेस हैं, तो साइज ऑफ प्रोसेस क्या होगा? अब 8k पेजेस हैं और हर एक पेज का साइज कितना है? 2 kilobytes। दैट मींस 8k इनटू 2 kilobytes, दैट मींस 16 megabytes। क्लियर? किसी को कहीं पर डाउट हो? नहीं नहीं साइज ऑफ प्रोसेस का और उसमें कैसे आप कर सकते हो जशन? जितना पेज टेबल का साइज है उतना प्रोसेस का साइज कैसे होगा? देखो प्रोसेस में क्या स्टोर हो रहा है, क्या पेज टेबल में ऑफसेट स्टोर हो रहे हैं? नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि प्रोसेस का साइज वो है? पेज टेबल में तो ऑफसेट स्टोर ही नहीं होते, ठीक है, मतलब एंट्रीज कितने की हैं वो तो स्टोर ही नहीं होती, ठीक है। यस, एनीबडी हैज एनी डाउट? Anybody has any doubt? Clear? कोई डाउट नहीं है अभी किसी को? ठीक है, अब लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम इस पेजिंग को लेकर। अभी है हमारे पास 5 minutes, तो इसको हम लास्ट उसको करते हैं अगर डाउट नहीं है। लेकिन ये अगर मैं फिजिकल क्लास में समझा रहा होता हूं तो इतनी, सर इस क्वेश्चन में डीएफपी निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? एफ की वैल्यू निकाली तभी तो पता लगा है एक पेज टेबल में कितने बिट्स स्टोर करोगे एफ के। क्लियर? डी से आपको पता लगा टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी थी, 2^27, हमने लेकिन उसका यूज नहीं किया, ठीक है। क्लियर? सो अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है कि पेज साइज है 8 kilobyte, फिजिकल एड्रेस है 32 bits, साइज ऑफ लार्जेस्ट पेज टेबल पॉसिबल,
इसका मतलब क्या होता है कि सारी की सारी एंट्रीज अगर ऑक्यूपाइड हो पेज टेबल की, डेट इज 24 मेगाबाइट अब फाइंड क्या करना है आपने, व्हाट इज द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस इफ additional five bits ये जो additional five bits है ना ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि are stored in page table along with फ्रेम बिट्स। ये जैसे बाद में आएगा कि आपकी वैलिड इनवैलिड बिट्स वर्चुअल मेमोरी के केस में आएगा ये, तो मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि एफ के साथ कुछ एडिशनल फाइव बिट्स और भी पॉसिबल हैं, तो अब इस केस में आपने उसको करना है। क्लियर। अब पेज साइज कितने का दिया है, 8 किलोबाइट का। अगर पेज साइज 8 किलोबाइट का है तो डी की वैल्यू कितनी है, 13। क्लियर। अब एफ की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 13, तो एफ की वैल्यू कितनी है, 19। ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ logical address if additional 5 bits are stored in। अब logical address की आपको size बताना है। हाँ जी, anybody can tell? अब यहां पर number of entries मान लो p है, 2^p entries यहां पर है। ठीक है। अब 2^p को मैंने x बोल दिया, 2^ टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इज आर x, और यहां पर कितनी स्टोर्ड है, 19 ये 5 और, तो मतलब टोटल कितनी होगी, 24 बिट्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 bytes। तो मतलब क्या हुआ, x इंटू 3 इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 मेगा, तो मतलब p की वैल्यू कितनी होगी, 8 मेगा आ गई, तो p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू आ गई 23, क्योंकि इसको अगर आप उसमें कन्वर्ट करोगे 2^3 इंटू 2^20, तो that implies p equals to 23। तो logical address space कितने का होगा, p plus d, that is 23 plus 13, 36 bit का। क्लियर। तो ये हमने नॉर्मल पेजिंग के सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए।